हेलो दोस्तों, हर हर महादेव, राधे कृष्णा, जय श्री राम, जय हनुमान। कैसे हैं दोस्तों आप सभी? हम लोग उम्मीद करते हैं आप एकदम अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपने जीवन में खुश होंगे। हम लोग भी बिल्कुल अच्छे हैं दोस्तों। तो मैं सुनील कुमार चौहान स्वागत करता हूं अपने चैनल सुनील नगांती लाइव ब्लॉग में। वीडियो एंड तक देखिए और प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो ब्लॉग रात को 1:30 बजे से शुरू कर रहे हैं और वीडियो ब्लॉग कुछ ज़्यादा खास होने वाला है क्योंकि नींद नहीं आ रहा था। मैं सोचा कुछ काम ही कर लिया जाए और उस पर ब्लॉग एक शूट कर लिया जाए जो हमारा आदरणीय यूट्यूब फैमिली को कैसा लगता है उसको थोड़ा हमें पता चलेगा। तो कुछ अलग ही टॉपिक पे वीडियो बनने जा रहा है, तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है इस बालक को आशीर्वाद बनाइएगा और भी आशीर्वाद दीजिएगा कि इससे भी अच्छे अच्छे ब्लॉग बनाए जो आप लोग को मन को शांति दे और बहुत अच्छा लगे। और एक रिक्वेस्ट और है हमारे चैनल से, जो भी हमारे नए सब्सक्राइबर जुड़ते हैं, हमारा ब्लॉग देखते हैं, वीडियो देखते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लें और बेल घंटी प्रेस कर ले, कोई भी वीडियो डाले, ब्लॉग डाले, नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे। और इस कमरे से आवाज़ बाहर नहीं जाता, आपको तो अच्छी तरह पता है कि इस कमरे से पेंक है, इसमें हवा जब सही से नहीं आता है तो आवाज़ तो बाहर जाएगा ही नहीं। और बच्चों को कोई डिस्टर्ब नहीं हो रहा है तो पहले ही बता दें। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो ब्लॉग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग से बता दें कि इस टाइम ये मत कहना कि काम करो काम करो, तो 1:30 बजे रात को कोई काम हिंदुस्तान में शायद कहीं कहीं होता होगा, लेकिन अभी जो ब्लॉग बनने जा रहा है कुछ अलग ही टॉपिक लिया है जो आप लोग को सुन के बहुत अच्छा लगे। तो चलिए अभी वीडियो स्टार्ट करते हैं, लगाते हैं पहले मोबाइल को स्टैंड में, इधर देख सकते हैं स्टैंड लगा रखा हूँ, और फिर एक ब्लॉग तैयार करते हैं। तो वीडियो का टॉपिक रहेगा हमारी जीवन की सच्चाई, यानी हमारे साथ बचपन से लेकर आज तक क्या क्या गुजरा है, किसने हमारे लिए क्या किया, कितना किया और कितना दर्द दिया, कितना दुख दिया, कितना सब किए, यानी मैं बड़ होने के नाते वो पूरी सच्चाई आपको बताने जा रहा हूँ जो आपको सुन के अच्छा लगे। अच्छा ना लगे तो वो आपकी परेशानी है, क्योंकि हर एक आदमी की एक जीवन में कुछ ना कुछ सच्चाई होता है, कुछ ना कुछ बनने का सपना लेके इंसान बड़ा होता है और किसी कारण अपना मजबूरी, हालात, सब चीज़ किस्मत में नहीं छोड़ सकते, वो हम भी सीखे हैं। और ख़ास करके हमारे अनुराधाचार्य जी बोले हैं कि 40 साल की उम्र के बाद पति पत्नी को अपना जो भी संबंध है हट जाना चाहिए, भगवान के भजन में अपना लीन हो जाना चाहिए। तो अभी हमारा उम्र पता ना 40 साल हो ही गया होगा, मम्मी से पूछना पड़ेगा। तो हमें अगर सही राह पर चलना है, हम चाहते हैं कि बड़े हो के उम्र के हिसाब से बुजुर्ग हो जाएँ तो कष्ट ना हो, हमारा भी नाम रोशन हो, तो हमें उस उनके राह पे चलना ही चाहिए। और बाकी वहाँ लाखों भक्त हैं और लाखों माताएं का आशीर्वाद अगर प्राप्त करना है और गुरु जी का आशीर्वाद प्राप्त करना है तो हमें बाकी में वो सब राह पे चलना चाहिए। वो हमारा ग्रंथ है, हमारा देश का, हमारा भारत का, हिंदू धर्म का जो ग्रंथ है उसको हिसाब से हमें फॉलो करना चाहिए। ये हम अपने बड़े बुजुर्गों से बचपन में सीखे थे। और एक चीज़ हमने जो सीखा है दोस्तों अपने स्कूल में, वो शायद आज के स्कूल में होता है कि नहीं होता है, और होता है तो कहाँ कहाँ होता है। हमारे बिहार के स्कूल में जब बचपन में पढ़ाई करते थे तो सिखाया जाता था। और बाकी आप पूरी सच्चाई हमारे फैमिली के हिसाब से आप जानना चाहेंगे तो अकेले नहीं, कभी मेरी माताएँ आएँगी, माँ मेरी, तो उनके साथ शेयर करूँगा जो माँ की इमोशनल देख के और एक बालक के इमोशनल देख के आप लोगों को कैसा लगेगा। लेकिन फिर भी जीवन में जो भी जिसके लिए जो भी जितना करता है उसको भगवान देखते हैं कि हाँ इन्होंने इसके लिए इतना किया है, उन्होंने उसके लिए उतना किया है, यानी मेरा भाई मेरे लिए कितना किया है छोटा होके, मैं बड़ा होके उसके लिए कितना का किया हूँ, मेरा पिताजी मेरे लिए क्या किए हैं, किसने किसके लिए क्या किया है, ये है टॉपिक। तो चलिए, वो तो गुणा भाग लगाएंगे उतना जोड़ेंगे तो वो तो बहुत लंबी कहानी हो जाएगी जो हो सकता है आप लोग को अच्छा भी ना लगे कि सुनील जी एक आप बकने लगे, आपको नींद नहीं लग रहा तो और को क्यों परेशान कर रहे हैं। तो कोई नहीं दोस्तों, आप लोग का आशीर्वाद से वो भी सही हो जाएगा। ज़रूरी नहीं आप ही लोग कमेंट बोले कि भैया नींद ना लगे, तो नींद का आदत मत लगाना दवाई की, कुछ ना कुछ करना इस टाइम रात को, इसीलिए इस बंद कमरे में अपना एक ब्लॉग बना रहा हूँ और जो काम है वो सुबह करेंगे।
क्योंकि हमारे वैसे किसी और को डिस्टर्ब ना हो, हमें तो बचपन से यही सिखाया गया था। और ख़ास करके जो हमारे स्कूल में हमारे आदरणीय श्री, नाम तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन उनको ठाकुर सर से हम लोग जानते थे, और हमें हिम्मत नहीं है कि किसी अपने टीचर का नाम पूछें, आ ऐसे पता चल जाता है तो वो सही रहता है, क्योंकि टीचर होते हैं बच्चों के भविष्य उज्जवल बनाने की भगवान मान के चलते हैं हम। जो हमारे आदरणीय टीचर हैं वो हमारे लिए कुछ मेहनत किए हैं आज हमें पढ़ा लिखा के आगे बढ़ाने के लिए, कि हाँ आप लोग उम्र में अभी पढ़ने लायक हो तो आप पढ़ाई करो, क्योंकि नाम तुम्हारा आगे, तुम्हारा भी फैमिली होगा। तो बहुत कुछ सिखाते थे, लेकिन हाय रे मेरा हालात और किस्मत, मैं पढ़ाई भी उतना पूरी नहीं कर पाया। पता ना मेरा टीचर अभी उस टाइम होंगे, जरूर होंगे, और भगवान करे कि उनके पास भी ये वीडियो पहुंच जाए, तो उनको जान के बहुत खुशी होगा कि वो देखो कैसा मेरा स्टूडेंट था, कि आज तक मेरा उस बात को याद रखा है। तो ये सब है, टीचर इसलिए गुरु के दर्जा दिया जाता है कि उनकी जो दी हुई शिक्षा है हमें उस राह पे ले जाए जिसकी हर एक इंसान की, मर्द की जरूरत होता है, कि जो शिक्षा आपको यहाँ दिया जा रहा है उस शिक्षा को इस्तेमाल करते हुए आप सही राह पे चलो। बाकी दुनिया बहुत कुछ तुमको सिखाएगी, हर एक मोड़ पे कोई ना कोई अच्छे और गलत लोग मिलते रहेंगे, तो आपको अच्छे लोग को कैसे पहचान करना है, गलत लोग को कैसे पहचान करना है। तो उन्होंने बताया था कि अच्छे और गलत लोग मजबूरी और हालात के वजह से हो जाते हैं, आपको बस भगवान जी पे भरोसा करके आगे बढ़ना है तो सब आपको अच्छे ही नजर आएंगे। उसी हिसाब से मैं अपने ऑल यूट्यूब फैमिली को, अपने आदरणीय समझ के, कि वो हमारा जो भी है अभी उनके वजह से हमारा घर परिवार चलता है, चलता हूँ। आ ब्लॉग जो बनता है उनके कुछ कमेंट द्वारा कुछ गलत दिशा ले लेता है कभी कुछ, तो और भी हमारे यूट्यूब फैमिली को अच्छा नहीं लगता है। तो फिलहाल तो आप लोग भी बोलते हैं कि हाँ जी कहाँ कमेंट के पीछे पड़ रहे हैं, उसको तो पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं, और ख़ास करके आप अपना काम करते रहिए। तो ये सब है, और बाकी हमारे आदरणीय श्री ठाकुर जी टीचर गुरु क्या सिखाते थे वो भी हर एक शनिवार को, आ खास करके उस टाइम मेरा जो एक नहीं होता है कि हम स्कूल में जाते हैं तो हमारा एक दोस्त बन जाता है, तो बहुत तरह का दोस्त बनते हैं, अब सबका नाम नहीं लूँगा, लेकिन हमारा जो दोस्त हैं श्री बसंत चौहान जी और मैं सुनील चौहान जी, तो सोचिए उस टाइम हम लोग सॉन्ग गाते थे, क्योंकि हम टीचर जो बोलते थे कि नहीं जी आज शनिवार के दिन, शनिवार के दिन हाफ डे का पढ़ाई होता था और लास्ट में 1-1.5 घंटा सबसे सॉन्ग सुना जाता था, उस सॉन्ग का अर्थ निकालते थे, और लास्ट में बोले थे कि जो भी सच्चे मन से थोड़ा सॉन्ग गाना चाहेगा तो उसको अर्थ कैसे निकाला जाता है वो भी आपको सिखाएंगे। तो मेरी किस्मत देखिए, स्कूल में उतना पूरा पढ़ाई नहीं, लेकिन फिर भी भगवान जी की कृपा से थोड़ा बहुत सॉन्ग गा लेता हूँ। तो बहुत दिन से हमारा एक भैया यहाँ पे जो है आदरणीय है, कितने दिन से पवन सिंह भैया, आदरणीय खास खेसारी लाल भैया के साथ जोड़ना के कोशिश कर रहे हैं कि ये बने हैं वो बने हैं, तो कोई नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका, क्योंकि आप हमारा यूट्यूब फैमिली हैं, जो भी आप कहते हैं आपके वीडियो में दिखता है उसी हिसाब से आके देख सकते हैं, एकदम सही है, मेरे को कैमरा में लग रहा था इसीलिए दिखा रहा हूँ, नहीं तो आप लोग कहेंगे कि सुनील भैया कैसा दिख रहे हैं, लेकिन चलिए नींद की वजह से पता ना, अचानक से जैसे भी बिस्तर पे कुछ अलग ना लगे तो अपने प्रभु के, चाहे जो भी हमारा यूट्यूब फैमिली और कितना चीज सीखने को दुनिया में मोबाइल में मिला है वो सब सीखते रहना चाहिए, उससे ज्ञान प्रकट होता है, वो भी सही सही। तो मैं सोचा कि अपना ब्लॉग ही बना लूँ, हमारा यूट्यूब फैमिली देखते हैं कि कैसा लगता है, क्या कमेंट द्वारा सीख मिलता है। तो एक चीज है कि जो सॉन्ग गाने जा रहा हूँ वो बहुत अच्छा सॉन्ग है, और मैं अपने हाथ से खुद बनाया हूँ, और जो मैं बसंत चौहान मेरा दोस्त और सुनील चौहान मैं जो गाते थे सॉन्ग, कैसा भी सॉन्ग गाते थे दोस्तों,
उस पे भी हमारे जितने बहने पढ़ती थी, हमारे भाई पढ़ते थे अलग अलग गांव के आके, अपना ताली बजाते थे कि हाँ सॉन्ग गाए हैं। तो एक हिम्मत, जो सॉन्ग गाने की उस टाइम हिम्मत थी कि यार क्या गाए, हमारे सिस्टर क्या समझेगी, हमारे भाई क्या समझेगा, और खास करके हमारे टीचर क्या समझेगी। लेकिन टीचर कहते थे कि हाँ ये एकदम बहुत मस्त है, यानी कोई भी काम करो उसको चावासी देते थे, हाँ तुम मेहनत करते जाओ वो आगे बढ़ोगे ही। लेकिन आज के दुनिया में देखिए कितने लोग हैं कि कैसा भी कुछ भी, कितना भी मेहनत करके, कितना भी सुंदर ब्लॉग बनाओ, उसको गलत साबित करने वाले हैं। तो सही है, होना भी चाहिए, क्योंकि वो हमारे लिए ही कर रहे हैं। अगर वो हमें हमेशा चावासी देने लगे कि नहीं यार बहुत वेरी गुड, इतना सुंदर ब्लॉग, तो हमारे तो मन घबरा जाएगा कि हाँ यार मैंने बहुत अच्छा काम किया। तो इसीलिए आप लोग हमारे आदरणीय हैं, मेरे चैनल में, मैं हमेशा आपको आदरणीय मानूंगा। जब तक मैं ब्लॉग बनाऊंगा, कोई काम भी करता हूँ उसका भी ब्लॉग बनाऊंगा। अब तो आप लोग सिखा ही दिए, लेकिन हमारे जो भैया बार बार कमेंट करते हैं, आप पढ़े होंगे, तो उनकी थोड़ा मनोरंजन के लिए, और आप लोग भी सुनिएगा, आप लोग भी बहुत अच्छा लगेगा दोस्तों, ये मैं खुद अपने से। लेकिन जो लय है आदरणीय श्री भिखारी ठाकुर जी की सॉन्ग गाए हुए, आदरणीय श्री स्वर्गीय चौहान, तपेश्वर चौहान जी के दोस्त विजेंद्र गिरी का सॉन्ग पे मैंने लिख के जोड़ा है, तो उस हिसाब से लिखा भी नहीं, ऐसे मैंने उनके सॉन्ग पे थोड़ा मिलाया कि हाँ इस सॉन्ग को थोड़ा, हमारे यूट्यूब फैमिली इतने दिन से कह रही है, सभी तो नहीं लेकिन एक आदमी कह रहे हैं, तो उनके हिसाब से मैं एक छोटा सा सॉन्ग गा के इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, नहीं तो आप लोग बहुत उल्टा सीधा कमेंट करेंगे जिससे मैं भी कन्फ्यूज होगा। तो चलिए सॉन्ग शुरू करते हैं जो आपको बहुत अच्छा लगे। एक चीज और बता दें, हमारे गांव में जो अखंड अष्टजाम होता है उसमें जो गोल मिर्च नहीं होता है, उसको जहाँ पूजा पाठ होता है माँ सरस्वती से, वहाँ बता दिया जाता है कि हे माता, किसी को जैसे गाते गाते बोलते बोलते जैसे नहीं होता है, जैसे अभी हुआ, तो उसको तो मैं चाहूँगा तो कट कर लूँगा, आपको नहीं सुनाई देगा, लेकिन मैं फिर भी आपको रेगुलरली वीडियो में जाने दूंगा, क्योंकि एक सॉन्ग आया था याद होगा आप लोग, सत्यम शिवम सुंदरम, जैसे देखिए बूढ़े बाप कैसे भगवान शिव के सॉन्ग गा रहे थे, और उनकी छोटी सी बेटी जब देखी उनकी अपने पिताजी की कितनी बेइज्जती हो रही है, तो उस सॉन्ग को कितने सुंदर में जो गा के सुनाई, जो आप तो सुने ही होंगे, चाहे नहीं देखे होंगे तो मैं सुना देता हूँ। यशोमती मैया से कहे नंदलाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, आप देखे होंगे। तो देखिए बातें करते करते मेरे को कितना अच्छा याद आ गया, तो अच्छी बात है, भगवान जी की कृपा और आप लोग का आशीर्वाद ऐसी बने रहे। तो चलिए वो तो सॉन्ग आप देखे होंगे, मैं जो सॉन्ग गा रहा हूँ वो देखिए कितना सुंदर बनाया हूँ। एक चीज़ और बता दूँ, कितने भी बड़े कोई सिंगर बन जाए, आप एक बार उनके सॉन्ग को मैजिक ढोलक तबला हारमोनिया जो भी उसमें मैजिक डाला जाता है उसको हटा के तब उनकी सॉन्ग सुनिएगा, आपको कैसा लगेगा। क्योंकि हमारे पास ना ढोलक झाल हारमोनिया वो सब बजाने उतना तो सिस्टम है नहीं, अभी तो नून तेल दाल और कहाँ से इकट्ठा हो जाए। बड़ी आशीर्वाद है आप लोगों का कि सब्जी वब्जी सब बोए हैं, धान उन तो अपना अभी धीरे धीरे कर रहे हैं, इसी तरीके से होता है शायद काम, जो हावड़ा के जैसे जितना चदर है उसी हिसाब से पैर फैलाया जाता है, हम वो भी सीखे हैं, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम एकदम खुश हैं, और हम भगवान से प्रार्थना करते वाले यूट्यूब फैमिली खुश रहे, और आप ऐसे ही अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल बनाए, और उनकी आशीर्वाद गरीबों पर भी पड़े, हमारे जैसे जो भी हैं, और बाकी तो भगवान है ही हैं। तो चलिए सॉन्ग शुरू करते हैं, क्योंकि वीडियो कुछ लंबा ज़्यादा हो जाएगा, और उस सॉन्ग का नाम ही है निर्गुण, तो थोड़ी सी याद करने के लिए आज्ञा चाहता हूँ, नहीं तो सॉन्ग इतना स्पीड में कोई भी चीज़ देखे होंगे कि स्टूडियो में भी गाया जाता है तो देख सुनने वाले रुकिए रुकिए गलत हो गया गलत हो गया, फिर दोबारा रिपीट करिए, तो थोड़ी सी तो मोहलत चाहिए ही आप लोगों से, आ नहीं चाहते हैं तो कोई नहीं, बगैर बोले थोड़ा सा आप ही लोग के सामने ही याद कर लेता हूँ। तो चलिए याद आ गया, सुनाता हूँ आपको। कहावा से आवेल नीरा गुना सतजुग में समाई,
अजाले राम। तो चलिए उसका उल्टा रिपीट करते हैं, तो उस पे कैसा लगेगा आप बताइएगा। आ कहाँ से आवेले सोता जुगा, आनी रघुन में समाई अजाले हो राम। आ कहाँ से आवेले कहरावा, आ कहाँ से आवेले कहरावा, तो कनिया के कहाँ ले जाले राम। तो कहने का मत, इस सॉन्ग का कुछ अलग ही मतलब है जो आपसे छुपाते आ रहे हम लोग ब्लॉग द्वारा और वीडियो द्वारा। तो इस वीडियो में, इस सॉन्ग में भी छुपा हुआ है, तो एक बार और रिपीट करता हूँ क्योंकि इसमें थोड़ा सा लाइक टेढ़ मेढ़ हो गया था, और मैजिक रहता तो वो लोग संभाल लेते। तो चलिए एक बार और शुरू करते हैं। कहावा से आवेले निरगुना, आ सतयुग में समाई जाले राम। कहावा से आवेले सता जुगा, आ निरगुन में समाई अजाले राम। आ कहावा से आवेले कहरावा, तो कनिया के उठाई ले जाले राम। तो चलिए इससे ज्यादा ज्यादा सॉन्ग सुनना हो तो आप आशीर्वाद दीजिए और उसको हम याद करके फॉलो करेंगे। जब आप लोग को इतना सब करने के बाद भी पसंद नहीं आ रहा तो हो सकता है इस पे भी कोशिश करके देखते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो में, जब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। मैं चल रहा हूँ, थोड़ा नींद की दवा खा के तो नहीं खाऊंगा, अभी हो रहा है बारिश, वो जो नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखने को मिलेगा। तो चलिए अभी नेक्स्ट वीडियो में कुछ काम भी करेंगे अगर नींद नहीं आता है तो, नाइट में ही, वो भी आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखने को मिलेगा। बने रहिए, जुड़े रहिए और हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट, थोड़ा और भी चैनल को आगे बढ़ाइए।